वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशालीज क्रस्टी क्रीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज फॉर माय एनिवर्सरी। रियली फीलिंग सो ग्रेट एंड स्पेशल, सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय फैंस एंड फॉलोअर्स। सो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सीक्वेंस इफेक्ट के। ओके, सब लोग सोच रहे हैं सीक्वेंस इफेक्ट क्या है। अभी तक हमने फ्रेश क्रीम में बहुत सारे डिज़ाइंस किए हैं, वही बोरिंग हो रहा है अभी, लाइक रोजेज है, रोजेट्स है एंड ऑल दैट, बॉर्डर्स एंड एवरीथिंग। सो अभी कुछ नया ट्राई करने का समय है, सो वी आर गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू। ये सीक्वेंस इफेक्ट हम लोगों ने अभी तक फॉन्डेंट में बहुत देखा होगा आपने। आई हैव ऑल्सो डन सो मच टाइम्स इन फॉन्डेंट, बट फॉन्डेंट में करना बहुत ईजी है। फॉर दी फ्रेश क्रीम हमें कुछ थोड़ा सा टेक्निक्स एंड ऑल दैट अलग यूज़ करने पड़ेंगे। सो अभी हम फ्रेश क्रीम में करेंगे, बट उससे पहले विल स्टार्ट विद द लेयरिंग। हम लेयरिंग से स्टार्ट करेंगे। सो राइट नाउ आई विल लेयर द केक। दिस इज़ माई 6-inch केक। ओके, फॉर टूडेज स्पेशल डे आई वॉन्टेड समथिंग एलिगेंट बट नॉट सो बिग। सो मैं ज़्यादा बड़ा केक नहीं बनाने वाली हूँ, छोटा केक है बट समथिंग एलिगेंट एंड स्वीट। सो दिस इज़ 1/2-inch केक। ये हमारा 6-inch 1/2 kg केक है। सो इससे पहले हम लेयरिंग्स करेंगे। आई एम गोइंग टू मेक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बिकॉज माई फैमिली लव्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और आजकल अभी फैमिली स्ट्रॉबेरी का बहुत ही फ्रेश सीजन है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आर अवेलेबल। सो आई एम गोइंग टू यूज़ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज विद द क्रश। सो अभी हम पहले लेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेयरिंग कम्प्लीट करने के बाद हम फाइनल डेकोरेशन करेंगे। सो फर्स्ट मैं अभी ये केक का पहले ऊपर का क्रम निकालूँ। दिस इज़ माई सिंपल वेनिला स्पॉन्ज केक, और मैं ऊपर का जो क्रम है टॉप का उसे निकाल रही हूँ। एक थिन लेयर मुझे निकाल के केक के सारे पोर्स को ओपन करना है। मीनवाइल आपको कोई क्वेश्चंस है सो यू कैन शेयर ऑल योर क्वेरीज विद मी। जितना हो सके मैं सारे क्वेरीज के आंसर्स कर दूँगी। अभी मैं इसके 3 इक्वल पोर्शन कर रही हूँ। Any questions? सो फर्स्ट मैं ये बोर्ड ले रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेंटर में क्रीम, दिस इज़ माय व्हिपिंग क्रीम। ये क्रीम को व्हिप करके रखा है मैंने। नाउ व्हिपिंग क्रीम, शुगर सिरप, दिस इज माय स्ट्रॉबेरी क्रश, यह स्ट्रॉबेरी क्रश है और ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज है। ओके, सो फर्स्ट मैं यहाँ पे सेंटर में क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं स्टार्ट विद द लेयरिंग। मैंने ये एक सेंटर वाला पोर्शन नीचे प्लेस किया है, उसके बाद आई सोक विद द शुगर सिरप। कमेंट्स काय असतील तर वाचा। सो
यू कैन यूज बोथ, स्ट्रॉबेरी क्रश भी यूज कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी यूज कर सकते हो, बिकॉज स्ट्रॉबेरी फिलिंग थोड़ा ज़्यादा थिक एंड प्रीमियर है, सो यू कैन यूज अकॉर्डिंगली, आप चार्ज भी कर सकते हो, जो भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो यू कैन चार्ज अकॉर्डिंगली. अगर क्रश यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकली सस्ता पड़ता है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर आप फिलिंग यूज करते हो तो सीलिंग फिलिंग बहुत ही थोड़े से कॉस्टली है, सो आपका कॉस्टिंग थोड़ा हाई चला जाता है. सो बट बोथ आर ओके, नो प्रॉब्लम. नो, दीज आर ओनली फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आर देयर, जस्ट कट करके मैंने लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज क्रश, सो क्रश यूज कर रही हूँ, इसके लिए मैंने इसे बॉयल नहीं किया है. इनकेस इफ यू वॉन्ट टू यूज ओनली फ्रेश स्ट्रॉबेरीज तो आप इसे शुगर सिरप में बॉयल करके यूज करो, अदरवाइज ये बहुत ही खट्टी लगेंगी आपको खाने के लिए. ओके, सो जैसे मैंने लास्ट टाइम के लाइव में भी दिखाया था आपको कि यू हैव टू होल्ड द नाइफ इस तरह से आपको पकड़नी है कि आपका जो हैंडल है वो इस तरह से आपने पकड़ा है और ये मेरा फिंगर यहाँ पे है, एंड जस्ट आई एम पुशिंग द क्रीम. ओके, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके मैंने ये सारा क्रीम को स्प्रेड कर दिया है. नाउ आई क्लीन माय नाइफ और सेंटर में रख के जस्ट ना, उसके बाद आई एम यूजिंग क्रश, ये स्ट्रॉबेरी क्रश है. इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉबेरी क्रश वी कैन यूज स्ट्रॉबेरी फ्रेश स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी कंपोट, ये सब हम घर पे भी बना सकते हैं, बिकॉज अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन है, सो यू कैन क्रश द स्ट्रॉबेरी एंड उसको शुगर में पका के वो यूज़ करो, फ्रेश स्ट्रॉबेरी फीलिंग हम घर पे भी बना सकते हैं इसे, ऐसे कुछ नहीं है कि मार्केट में ही यूज़ करना है. आई एम यूजिंग स्ट्रॉबेरी एज इट इज़, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द क्रश आल्सो, बिकॉज थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी आना चाहिए इसमें. नॉट फॉर दी फीलिंग, आपको फीलिंग के लिए नहीं यूज़ करना है न्यूट्रल जेल. न्यूट्रल जेल आप यूज़ कर सकते हो इन अ फाइनल डेकोरेशन. फाइनल डेकोरेशन में अगर आपको स्ट्रॉबेरी का ऊपर से टॉपिंग में डेकोरेशन करना है तो ही आपको न्यूट्रल जेल में उसको डिप करना है, अदरवाइज फीलिंग में ये सब की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ हम ये दूसरा लेयर इसका इसके ऊपर रख रहे हैं. सेकेंड लेयर हमने प्लेस किया है, इसे प्रॉपर सेंटर में प्लेस करो, देन अगेन शुगर सिरप. आज वेदर बहुत ही ड्राई है, सो आई एम यूजिंग क्वाइट गुड क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप. ये मैंने लास्ट टाइम के लाइव में भी एक्सप्लेन किया था कि शुगर सिरप यू हैव टू यूज अकॉर्डिंगली वेदर. अगर वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो बहुत ही अच्छा शुगर सिरप यूज़ करो. अगेन अगर क्रीम भी बहुत ड्राई हो रहा है तो इसमें भी आप थोड़ा सा पानी या शुगर सिरप मिक्स करके इसे भी थोड़ा सा लूज कर सकते हो. क्रीम एंड बेस केक में स्ट्रॉबेरी एसेंस डालना है.
डालना है तो डाल सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी बिकॉज हम दो दो ऑलरेडी फ्लेवरिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इनकेस अगर आपने ज़्यादा इसेंस यूज़ कर लिया तो मे बी बहुत ओवर पावर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी का इसेंस. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन गो फॉर दी नॉर्मल वेनीला इसेंस. बिकॉज अगर आप देखते हो तो नॉर्मल बेकरी में हम जो बाहर केक आप खाते हो तो दे आर ओनली स्पॉन्ज, वेनीला स्पॉन्ज विद द स्ट्रॉबेरी फीलिंग एंड ऑल दैट. सो इसकी वजह से वो ज़्यादा ओवर पावर नहीं होता स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर. सो अगर इसेंस यूज़ करते हो तो मे बी स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जाएगा. स्ट्रॉबेरी कंपोट कैन बी स्टोर इन फ्रीजर एंड फॉर हाउ मेनी डेज? या स्ट्रॉबेरी कंपोट कैन बी स्टोर इन अ फ्रीजर एटलीस्ट अप टू 6 months टू 1 year, नो प्रॉब्लम. अगर फ्रीजर में रखते हो तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है. So right now I am covering the cake from sides also. So you can see I have covered the cake. ये दोनों layer जो है मैंने side से भी covering कर लिया है. नाउ अगेन ये रिपीट करनी है हमें प्रोसेस. वापस हम क्रश यूज़ कर रहे हैं. यू कैन ऐड लिटिल क्रश इन योर क्रीम ऑल्सो. जो लेयरिंग का क्रीम है उसमें आप क्रश यूज़ कर सकते हो. अगेन ये टॉप का लेयर है उसे मैं दोनों तरफ से शुगर सिरप कर रही हूँ बिकॉज इट्स लिटिल बिट अ थिकर वन. सो मैं यहाँ से भी इसको शुगर सिरप लगा रही हूँ. Now I'll cover the cakes from sides first. Teen size. My teen size is 6 inch. बिकॉज ऑफ टूडेज ड्राई वेदर क्रीम ज़्यादा ड्राई होता जा रहा है. सो अगर ऐसे हो तो मैंने ये आपको बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि यू हैव टू जस्ट मिक्स द क्रीम और फिर उसे अप्लाई करो. ओके दिस वुड बी माई स्पॉन्ज इज दो इट्स अ 6 inch बट ये पूरा 1 kilo का केक बनेगा बिकॉज दिस विल बी लिटिल बिट अ टॉलर वन. थोड़ा सा नॉर्मल से टॉल हो जाएगा ये. सो दिस विल बी 1 kg. थैंक यू फॉर द टिप्स मैम. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.
अगर हम हाफ के जी का केक करते हैं तो इससे आधा ही इतना ही हाइट का होता है, बट दिस इज़ अ लिटिल बिट अ टॉलर केक, इसलिए इसका वेट बढ़ने वाला है। ये चार लेयर्स मैंने कट किए हैं, सो विथ ऑल द स्ट्रॉबेरीज एंड फीलिंग ये सब कुछ आपको काउंट करना है। ये अगेन क्रश और फिर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। ये मैं ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज डाल रही हूँ। और उसके बाद हमें ये लास्ट लेयर है उसे टॉप पे रखना है, बट उसके पहले मुझे ये दोनों साइड से शुगर सिरप से सोक करना है। सो शुड वी कट ओनली टू लेयर्स फॉर हाफ के जी केक? येस, फॉर हाफ के जी आइदर टू और थ्री थीन लेयर्स। प्लेन स्ट्रॉबेरी है या कुछ शुगर या कुछ ऐड किया? नहीं, इट्स अ प्लेन स्ट्रॉबेरी, नॉर्मल फ्रेश स्ट्रॉबेरी है ये। सी यू कैन सी नाउ इट्स अ टॉल केक, ये थोड़ा टॉल केक है। 1 kg कॉस्ट? 1 kg नॉर्मल स्ट्रॉबेरी केक का कॉस्ट होगा आपका 700 to 800 विद द क्रश, एंड इफ़ यू आर यूजिंग फ्रेश स्ट्रॉबेरी देन ऑफकोर्स 900 to 1000, डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। आप कौन से लोकेशन पे रहते हो इस पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या आपका कॉस्टिंग होगा। सो डेफिनेटली लोकेशन का थोड़ा सा स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से लोकेशन से आज लाइव है लोग। सो प्लीज़ राइट योर प्लेस इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑफ कोर्स आपको क्या मन में आ रहा है कि आई एम सेइंग सीक्वेंस इफेक्ट केक है, तो आपको क्या आप सोच रहे हो कि कैसे करना है। सो आपके आइडियाज़ कुछ अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो दैट ऑल्सो यू कैन शेयर कि मैं अभी कैसे उसको डेकोरेट करने वाली हूँ। फॉर सीक्वेंस केक व्हाट इज द कॉस्ट? लेट द फिनिश केक फर्स्ट देन आई शेयर द कॉस्ट ऑल्सो। पहले हम केक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम कॉस्टिंग के बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। अंधेरी, अबूधाबी, थाने, वाह, दिल्ली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ऑल योर वैल्यूएबल टाइम। जस्ट रीड द नेम ऑल्सो ना, कौन कहाँ से है। रूपा पाटिल बोरिवली, कशिश करम खार, सुवर्णा मलाड वेस्ट, प्रिया पुणे, संगीता वा महाराष्ट्र, फिर दोस्त कल्याण। Who was from Abu Dhabi? पूर्णिमा जगता। ओके, सुवर्णा
सो ऑल दोज हु आर लाइंग वॉचिंग लाइव फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. मुझे लग रहा है कि कस्टी क्रीम फैमिली बहुत ही स्प्रेड हो चुकी है कि इतने सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग देख रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड विशेज. नाउ दिस इज माई क्रम कोटेड केक इज रेडी. अभी इसके ऊपर हमें डेकोरेशन करना है. सो पहले मैं आपको डेकोरेशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करती हूँ कि हम कैसे इसको करने वाले हैं. हाउ विल गो फर्दर फॉर द डेकोरेशन. उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा एक 5 मिनट फ्रिज में रख देती हूँ तब तक, सो दैट हमारा क्रम कोटेड केक भी सेट हो जाएगा. एक 10 मिनट 5 मिनट जो भी हो, अभी जितना हमें टाइम मिले. अदरवाइज़ एज यू नो के आपको एक आधा घंटा इसे रखना है फ्रीज में. ओके, सो ये क्रम कोट मलर को कांदेली में ऑफलाइन क्लासेस है क्या आपका? Yes, all classes are in Borivali, not Malad to Kandivali, but of course Borivali, जहाँ पर मेरा ये स्टूडियो है वहाँ पर आपके लिए सारे क्लासेस अवेलेबल है. और ऑल ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस, बोथ द क्लासेस आर अवेलेबल. सो दोज़ हु वॉन्ट टू जॉइन ऑनलाइन क्लासेस, दे कैन जॉइन एनी टाइम. और ऑफलाइन क्लासेस दैट मीन्स प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन क्लासेस का जो मेरा शेड्यूल है वो मेरे पेज पर अभी अपलोड होने वाला है, मंथली शेड्यूल. सो अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स यू कैन जॉइन एनी टाइम. अभी नेक्स्ट वर्कशॉप इज ऑन 6th, दैट इज़ टुमारो. व्हिपिंग क्रीम टेक्निक वर्कशॉप है जिसमें हम डोम शेप कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर क्रीम, और फिर डिफरेंट बॉर्डर्स कैसे करनी है, डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स कैसे बनाने हैं, इस चीज़ का वर्कशॉप है कल का, दैट इज़ व्हिपिंग क्रीम टेक्निक. एंड 7th संडे को जो वर्कशॉप है दैट इज़ केक बेकिंग एंड डेकोरेशन वर्कशॉप, जो हमारा प्रोफेशनल केक बेकिंग डिज़ाइनर केक्स का वर्कशॉप है, दैट इज़ ऑन 7th. सो उसका भी रजिस्ट्रेशन चालू है दोनों बैचेस के. आपको जो भी करना है व्हाट्सअप करो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जिसे भी रजिस्ट्रेशन करना है. ओके, आई शेयर द एड्रेस ऑन माई पेज. और मेरा लोकेशन तो वैसे भी ऑलरेडी मेरे पेज पे है, बट फिर भी मेरा एड्रेस शेयर कर दूंगी मैं आपको बाद में, आफ्टर द सेशन एंड्स मैं आपको शेयर कर दूंगी. ओके, राइट नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू गो फर्दर, कैसे हमें ये सीक्वेंस इफेक्ट क्रिएट करना है. सो उसके लिए मैं डेकोरेशन का ये पहले क्लियर करती हूँ. वैसे भी आधा घंटा पहले जो मैंने एक लाइव किया था जिसमें मैंने मेरे स्टूडियो की टूर कराई थी, एक जहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्टूडियो कहाँ पे है क्या है, और पोस्टल एड्रेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी. घाटकोपर क्लासेस विल टेक टाइम डियर. अभी तो घाटकोपर के क्लासेस फिलहाल नहीं है, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ कोविड एंड सम अदर पर्सनल रीजन ऑल क्लासेस आर इन बोलिवली. And next month, of course, my classes are in outside the Bombay. Yes, of course, outside Bombay. Because we are going to Ahmedabad and Pune and Bangalore. So, वहाँ पर भी classes होने वाले हैं हमारे. Schedule जल्दी ही upload हो जाएगा हमारे page पर कि कौन से date पर हम कहाँ जाने वाले हैं. But those who want to join, first of all, Ahmedabad का class होगा. So, Ahmedabad के class के लिए जिसे भी join करना है, they can WhatsApp me on my WhatsApp number. सो मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दूंगी कौन से क्लास कब है. या दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे आपको सीक्वेंस इफेक्ट करना है. सो
इसके लिए हमें चाहिए सी नाउ दिस इज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट. ओके दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है ये क्या है? एनी गेसेस? दोज हु आर ऑलरेडी इन बेकिंग एंड मेकिंग चॉकलेट्स उन्हें ये जल्दी से समझ में आ गया क्या ये क्या है? यस दिज आर राइस क्रिस्पीज. दिज आर राइस क्रिस्पीज जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बेकिंग से ज़्यादा हम चॉकलेट में इसे यूज़ करते हैं फॉर द क्रैकलिंग इफेक्ट. ओके सो ये है राइस क्रिस्पीज जिससे हम सिक्वेंस इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं. ओके सो ये हम अप्लाई कराएंगे हमारे केक के ऊपर और उसके बाद नाउ यू कैन सी इट्स अ वेरी डल और मैट इफेक्ट है. इसमें कोई भी शाइन नहीं है कुछ भी नहीं है जस्ट एक छोटे छोटे गोल गोल स्मॉल क्रिस्पी दाने दाने है ये. दिज आर नॉट सो स्वीट इन टेस्ट दिज आर रियली ब्लैंड है ये बहुत कुछ इसमें टेस्ट नहीं है बट ऑफकोर्स केक के साथ इसे खाओगे तो ये आपको एक क्रैकलिंग इफेक्ट देगा. नाउ आई एम गोइंग टू कवर माई केक विद दिस राइस क्रिस्पीज बट उससे पहले मैं केक को एक कोट करने वाली हूँ बिकॉज हमारा केक अभी क्रम कोट स्टेज में है. सो आई कोट माई केक विद द बेसिक कलर लाइक वॉट एवर कलर यू वॉन्ट ऑन योर फाइनल प्रोडक्ट लाइक जो आपका केक का फाइनल प्रोडक्ट होगा जो भी आपका केक है. जैसे आपको अगर गोल्डन इफेक्ट चाहिए देन यू हैव टू गो विद द गोल्ड येलो कलर. ओके सो अभी मैं ब्रॉन्ज थोड़ा सा रोज गोल्ड ब्रॉन्ज टाइप मेरा कलर होगा एंड रिजल्ट. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग पिंक कलर. तो मैं एक बेस कोट देने वाली हूँ केक को पिंक कलर का और उसके बाद हम इससे कोट करेंगे एंड देन आई गिव इट अ शाइन इफेक्ट देना है हमें इसे. बट उससे पहले मैं इसे एक बेस कोट कर रही हूँ. सो बेस कोट देने के लिए द लाइट पिंक कलर या पिंक कलर जो मुझे चाहिए उसके लिए आई एम यूजिंग रेड कलर. सो रेड कलर चाहिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ताकि मेरा पिंक शेड आ जाएगा. ओके लिटिल पिंक ज़्यादा पिंक नहीं है ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है मुझे. सो फॉर द पिंक शेड आई एम यूजिंग रेड कलर. ये बेकर्स विले का रेड कलर है कलर स्प्लैश का. यू कैन सी दिस कलर आई एम यूजिंग. ओके यू हैव टू बाई दिस. दिस इज रेडीमेड अवेलेबल इन ऑल द बेकरी सप्लायर्स के पास ये अवेलेबल है. ये घर पर नहीं बना सकते हम. I am from Lucknow and I have started cake classes since 2 years learning from you ma'am. Thank you so much. Who is this? Kusum name? Gupta. Oh Kusum, yeah. Very nice Kusum, keep it up. Congratulations for your new venture. Kaise chal rahe aapke classes? Now I am using this pink color. ये बेस कोट मैं एक रेडी कर रही हूँ. ओके अभी हमें ज़्यादा क्रीम भी नहीं लगाना है बट एक थोड़ा सा लेयर हम अप्लाई कर रहे हैं. ये आपको जहाँ पे आपको केक का सामान मिलता है सारा वहीं पे मिलेंगे.
दिस आर इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, दिस इज़ नॉट समथिंग स्पेशल या फिर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है कि आपको ये ना मिले। दिस टाइप ऑफ सिक्वेंस इफेक्ट यू कैन यूज इन एनी स्पेशल ओकेजन केक्स, लाइक वेडिंग केक्स है, एनिवर्सरी केक्स है, टू टीयर केक्स है, तो उसमें आप ये सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर दिखेंगे विद द टू टायर एंड थ्री टायर जो होंगे आपके केक। यू कैन यूज़ विद द शिमर और अदर एनी डिफरेंट टेक्निक्स। परफेक्ट रेड कलर के लिए आपको जेल कलर यूज़ करना है। आई जनरली यूज शेफ मास्टर सुपर रेड जेल कलर। आपको सुपर रेड जेल कलर यूज़ करना है एंड दैट टू बहुत ही अच्छा क्वांटिटी यूज़ करो। ऐसे नहीं कि एक दो ड्रॉप डालोगे तो आपका रेड कलर आ जाएगा, आपको ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है सुपर रेड जेल कलर की, तो ही आपका प्रॉपर रेड कलर आएगा फॉर द रेड वेलवेट इफेक्ट। या फिर एनी टाइप ऑफ फ्लावर्स, लाइक अगर आपको रोजेस वगैरह करने हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करो। एंड ऑफ कोर्स अगर थोड़ा ज़्यादा, अगर इतना खाने का मन नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रीम में कलर होता है, तो आप ऊपर से थोड़ा सा पाउडर कलर जो आते हैं वो स्प्रे कर सकते हो। आई एम यूजिंग ट्रोपोलाइट। तो मैंने ये साइड स्क्रैपिंग कर लिया है और फिर नाउ एक्सेस जो क्रीम है यस ऑफ कोर्स राइस क्रिस्पीज आर ऑलरेडी एडिबल। ये हम, अगर आपको याद है आप कैडबरी की चॉकलेट खाते हैं क्रैकल, सो उसमें जो क्रैकलिंग इफेक्ट आता है वो इसी तरह से राइस क्रिस्पी से हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दिज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन, जनरली पीपल आर यूजिंग दिस इन चॉकलेट्स। चॉकलेट में हम ये बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस इन अ केक। नाउ ये केक का एक एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा कुछ इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम इसको कोट करने वाले हैं। सो जिन्हें भी फिनिशिंग का प्रॉब्लम है, दोज हु आर न्यू कमर, न्यू बिगनर्स, तो उनके लिए ये अच्छा है कि आपको ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट, अगर आपका थोड़ा बहुत केक उतना फिनिशिंग नहीं आ रहा है, फिर भी यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट ऑन दिस टाइप ऑफ केक। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I'll coat my cake with the rice krispies और उसके बाद हम इसको shimmer या फिर shiny effect देंगे। ना नैपकिन देंगे। How many kg cake? This will be 1 kg. 1 kg cake है ये। यस, बिकॉज थोड़ा लुक अच्छा आने के लिए थोड़ा सा केक का हाइट भी होना चाहिए, बट ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है, नॉर्मल साइज का केक हो तो भी, बट बहुत छोटा केक में नहीं इतना अच्छा दिखेगा। लिटिल बिट हाइट हो, साइड्स एजेस हो, तो फिर अच्छा दिखेगा केक। वैसे भी आजकल ज़्यादातर टॉल केक का ही फैशन है।
ओके. नाउ आई एम यूजिंग दिस राइस क्रिस्पीज. उसके लिए मैं ये राइस क्रिस्पीज जो है वो सारे एक प्लेट में ले रही हूँ. और ये केक को हम कोट करेंगे. सो आपको बहुत ही ज़्यादा लेके इसको इस तरह से वन के जी केक में अप्रॉक्सीमेटली अभी मैंने ये अंदाजे से आधा किलो लिया है. सो उतना तो लग ही जाएगी. तो जैसे हम साइड कोटिंग करते हैं सारे चॉकलेट की, उस तरह से जैसे हम साइड में सारा चॉकलेट लगाते हैं उसी तरह से आई एम यूजिंग दिस. यू कैन सी ये बहुत ही लाइट वेट है. इस तरह से गिर रहे हैं वो बिकॉज ये बहुत ही लाइट वेट है. सो वैसे भी आप अगर लेने जाओ तो ये केजी के लिए बहुत आते हैं बिकॉज दे आर वेरी लाइट. सबको इसे अच्छे से कोट करना है. राइस क्रिस्पीज आर इजीली अवेलेबल इन अ मार्केट. ये आपको सारे बेकिंग सप्लायर के पास मिल जाएंगे जहाँ पे हमें ये केक का सारा सामान अवेलेबल है वहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाएंगे. जनरली चॉकलेट में यूज़ होते हैं फॉर द क्रैकलिंग इफेक्ट. सो दैट आई एम यूजिंग फॉर द सीक्वेंस. और मुझे यह ऊपर भी अप्लाई करना है. नहीं, जेल कलर नहीं आएगा इसके ऊपर बिकॉज अगेन वो थोड़े से ये मिक्स नहीं होगा उसके ऊपर ठीक तरह से. इवनली नहीं दिखेगा. राइस क्रिस्पी का प्राइस क्या है? राइस क्रिस्पी इजीली अवेलेबल ये 200 पर केजी वगैरह मिल जाते हैं. राइस बॉल नहीं, इसे जनरली राइस क्रिस्पी के नाम से ही बुलाया जाता है बट ऑफ कोर्स ये दिखने में बॉल के तरह ही है. तो हमें ये ठीक तरह से पूरे केक को कोट करना है. अभी एजेस में मैं इसे प्रॉपरली कोटिंग कर रही हूँ. और जबकि ये क्रीम है तो ये क्रीम के साथ अपने आप चिपक जाते हैं. लाइक हम ये फॉन्डेंट के साथ नहीं कर सकते बिकॉज ये फॉन्डेंट के साथ चिपकते नहीं है बट ऑफकोर्स क्रीम में ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगे. नहीं, डेकोरेशन आपने क्रीम अप्लाई करने के बाद इसे आप तुरंत लगा सकते हो. कितना केजी केक है? 1 केजी. हाउ डू यू चार्ज फॉर दिस केक? दिस विल बी अराउंड 1400 to 1500. हाउ आई स्टोर राइस क्रिस्पी आफ्टर यूज? Keep it in an airtight container or in a freeze, no problem. Okay, ये मैंने अभी इसे
सारा कोट कर लिया है। व्हिपिंग क्रीम लगा कि कितना टाइम फ्रिज में रखना फॉर दी राइस क्रिस्पी? और राइस क्रिस्पीज के लिए हमें कुछ देर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम यूजिंग एज इट इज़, हम ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं इसे। बिकॉज क्रीम अगर आपका ड्राई हो गया ना तो ये राइस क्रिस्पी इसके साथ स्टिक नहीं होंगे, सो दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ इट इमिजिएटली। जैसे मैंने अभी क्रीम को अप्लाई किया और तुरंत ये राइस क्रिस्पीज उसके साथ चिपका दिए। तो अभी मैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा एज में दिख रहा है ना, ये हमारा अच्छे से कोट हो गया है। अगर थोड़ी जगह छूट जाती है कहीं पर तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारा फाइनल इफेक्ट है वो होने के लिए ही मैंने ये पिंक क्रीम लगाया है। राइस क्रिस्पी कलर है? नहीं, राइस क्रिस्पीज आर अवेलेबल इन दिस कलर ओनली। दिस इज इट्स ओरिजिनल कलर। कैन यू कलर दोस राइस क्रिस्पी? अभी हम कलर करेंगे इसे। आफ्टर अप्लाई क्रिस्पी कैन वी चिल केक? यस। नाउ ये जो एक्सेस राइस क्रिस्पी है वो हम निकाल रहे हैं इसके लिए। एक अजून एक प्लेट दे जरा दूसरी। सो ये जो नीचे एक्सेस क्रीम के साथ चिपक गए हैं राइस क्रिस्पीज, उसे भी मैं पहले निकाल रही हूँ एक डिफरेंट बाउल में। इट विल बिकम सॉगी आफ्टर फ्यू टाइम? नहीं, अगर बहुत देर रह गए तो मे भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं होते सॉगी, बिकॉज चॉकलेट में तो वो वैसे के वैसे ही होते हैं क्रिस्पी। तो हमें पहले अभी ये नीचे की एज को मैं ठीक तरह से इसे प्रॉपर कर रही हूँ। कैन आई गेट राइस क्रिस्पी इन आरिफ स्टोर? यस यस, आरिफ के पास मिल जाएंगे आपको आराम से। विल इट नॉट बिकम सॉगी आफ्टर अप्लाइंग ऑन क्रिस्पी? नो, ये सॉगी नहीं होंगे। वहाँ अभी इसे शाइन कैसे लाए? ओके, सो इसके लिए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी।
जी दे ओके अभी हमें इसके साथ शिमर इफेक्ट देना है. सो फॉर द शिमर इफेक्ट ये मेरे पास है डस्ट. नाउ दिस इज़ रोज़ गोल्ड डस्ट है, रोज गोल्ड या फिर थोड़ा सा ब्रॉन्ज शेड है इसका. ओके और मैं इसके साथ यूज़ करने वाली हूँ इवेपोरिक्स. इवेपोरिक्स मीन्स एक डाइल्यूटिंग लिक्विड मिलता है हमें, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल विद द आरिफ. सो उसकी मैं एक बड़ी बॉटल आपको दिखाती हूँ वो कैसे होता है. इट विल बी लाइक क्रिस्टल क्लियर ऐसे ये एक लिक्विड है जो हमें सारे ये डस्ट को डाइल्यूट करने के लिए यूज़ करना है. ओके सो माय दिस इज़ डस्ट, बट ये अभी इतना मैं एक साथ नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके जितना लगेगा. और फॉर दिस डस्टिंग हम ये शिमर पम्प यूज़ करने वाले हैं. ओके सो ये शिमर पम्प आपको चाहिए, आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में है शिमर पम्प. सबको पता है शिमर पम्प है, ये शिमर पम्प अवेलेबल है ऑल द बेकिंग सप्लायर के पास अवेलेबल है ये. ओके सो यू हैव टू यूज़ दिस शिमर पम्प फॉर द फाइनल इफेक्ट. बट उससे पहले हमें ये कलर रेडी करना है. उसके लिए मैं ये थोड़ा सा मेरा टेबल क्लियर कर लेती हूँ. Will it not become soggy after applying on whipped cream? No. Where will I get this type of board? Board, ये मेरा special board है. I have made this board for my classes. ये सारे boards मेरे पास classes के लिए मैंने बनाए हैं. But आजकल ये acrylic के boards हैं जो available है normal cake shop, cake supplier, ये raw material supplier के पास. बट वो आपको ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे. इफ़ यू वॉन्ट टू रीयूज़ इट देन ओनली यू कैन बाई इट, अदरवाइज आपको अगर देना है किसी को देन डोंट गो फॉर दिस. विच फ्लेवर केक एंड इट्स माई ओन रेसिपी डियर. जो हमारी क्लासेस की रेसिपी होती है वो है वेनीला स्पॉन्ज. एंड फ्लेवर तो मैंने अभी आपके सामने ही बनाया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. ठीक है Now, which brand is the shimmer? Shimmer, ये रोल केम के डस्ट है मेरे पास सारे. एंड ऑफकोर्स बेकर्स विले के भी आते हैं, ग्लिंट ग्लिंट करके एक सीरीज है उनकी, उसके ये सारे डस्ट है. सो इसे हम पहले कलर फॉर्म में बनाएंगे. लेमन जूस नहीं, ये इवेपोरिक्स यूज़ करो. दिस इज़ माई इवेपोरिक्स, ये फैब का इवेपोरिक्स अवेलेबल है मार्केट में. ये यूज़ करो फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ डस्ट फॉर द पेंटिंग एंड ऑल दैट, हमें ये यूज़ करना है. सो मैं अभी एक डिफरेंट बाउल में इसे कलर बना रही हूँ पहले. अभी एक बाटी ले लूँगी. बॉटल कलर और बॉटल, दिस इज इवेपोरिक्स, फैब कंपनी का इवेपोरिक्स है ये. सो ये मेरा इवेपोरिक्स है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक बॉटल में निकालती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी जैसे इसका नाम है ये जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. सो आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करो. कैन वी यूज वोडका फॉर द सेम? यस डेफिनेटली, वोडका अगर आपको चलता है देन डेफिनेटली यू कैन यूज वोडका. राइस बट को डस्ट लगा सकते हैं केक पे लगाने के पहले? नहीं, डोंट डू दैट. वो राइस क्रिस्पीज आर लिटिल बिट एक्चुअली वो ड्राई फॉर्म में है ना, तो हम इसे उतना इवनली लगा नहीं सकते. इसके लिए हम एज अ पेंट उसको यूज कर रहे हैं. हाउ मच कैन वी चार्ज फॉर दिस केक? दीज आर क्वाइट प्रीमियम टाइप ऑफ डिजाइनिंग.
सो आप इसे अगर नॉर्मल स्ट्रॉबेरी फॉर्म स्ट्रॉबेरी केक है और उसे आप 1000 किलो दे रहे हो, 1000 रुपीज़ पर के जी, देन डेफिनेटली दिस विल गो 1400 to 1500 पर के जी. मुझे एक ब्रश चाहिए, ब्रश दे दो. नाउ मैंने ये डाइल्यूट कर लिया है. दिस विल बिकम अ पेंट. ये पेंट के तरह हो गया है, बट आई एम यूजिंग, ये थोड़ा थिक है, थोड़ा और इवेपोरेट्स इसमें ऐड कर रही हूँ मैं. यस, कोई भी डस्ट यूज करो, कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम यूजिंग बेकर्स विले का ग्लिंट करके डस्ट का सीरीज है, वो मैं यूज कर रही हूँ. बेकर्स विले के डस्ट, रोलकेम के डस्ट है मेरे पास, ये सारे एक्चुअली मेरे पास मिक्स है, सो आई डोंट नो द ब्रांड नेम, बट ऑफकोर्स आई एम यूजिंग रोलकेम और ग्लिंट बोथ. ये बोथ आई एम यूजिंग, ये दोनों आप यूज कर सकते हो. ये मैंने अंदाजे से लिया है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. आप थोड़ा थोड़ा करके इसको पेंट फॉर्म में लाइए और फिर शिमर पंप में ऐड कीजिए, बिकॉज ये जल्दी इवेपरेट होता है. सो अगर आपको लगे कि ये थिक हो गया है तो आपको वापस उसको ऐड करना पड़ता है. इट्स नॉट अ शिमर, ये शिमर नहीं है, ये फाइन पाउडर मिलती है, इसीलिए इसको डस्ट बोलते हैं. शिमर थोड़ी सी ग्रैनुलर फॉर्म में आती है, थोड़ी सी बड़ी साइज में होती है. ओके, और हमें इसे यूज करना है. फर्स्ट आई विल ट्राई इट ऑन दिस. हाउ ब्यूटिफुल रोज गोल्ड इफेक्ट आया है ये, इसीलिए मैंने अंदर का केक भी सेम पिंक बनाया है. नो नो, वाटर विल नॉट, वाटर के साथ ये डाइल्यूट नहीं होता है डस्ट. डायरेक्ट डस्ट नहीं डाल सकते, नहीं, बिकॉज दीज आर टू ड्राई एलिमेंट, तो ये हम इसके साथ कोट नहीं होगा. सी आप देख रहे हो राइस क्रिस्पीज आर ड्राई, तो अगर ये हम ऊपर ही ड्राई डस्ट डालेंगे तो वो उसको पकड़ेगा नहीं. तो उसको कोई भी एक कलर फॉर्म चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस टेक्निक. सी यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इफेक्ट, ये रोज गोल्ड इफेक्ट आया है. ओके, और अभी मैं टॉप पे भी कर रही हूँ, टॉप पे थोड़ा सा संभाल के, लाइक ये इफेक्ट के लिए, जैसे पंपिंग हो रहा है तो हवा की वजह से थोड़ा सा. नो अदर ऑप्शन अदर देन पंप. आपके पास अगर स्प्रे कलर की बॉटल हो तो वो उससे आप ट्राई करके देखो. बट पम्प्स आर इजीली अवेलेबल, आजकल सारे लोग ये पम्प यूज कर रहे हैं फॉर द शिमर केक. नो, शिमर क्रीम के साथ
you can easily use. Just because we have created this effect for the sequins, तो उसके लिए हमें ये दिस इज टोटली डिफरेंट टेक्निक ना. दिस इज नॉट अ शिमर. शिमर इज डिफरेंट और ये डिफरेंट है. ओके, कैन वी यूज दिस शिमर पम लाइक एयरब्रश मशीन? यस, दिस इज सम टाइप ऑफ मैनुअल एयरब्रश ही है ये. एक्चुअली इसे मैनुअल एयरब्रश ही बोलते हैं. वी आर कॉलिंग इट शिमर पम्प बट दिस इज मैनुअल एयरब्रश. व्हाट इज द नेम ऑफ गन? गन लाइक दिस ना, ये ना, दिस इज शिमर पम्प. दिस इज इजीली अवेलेबल इन ऑल बेकिंग सप्लायर. सबके पास अवेलेबल है ये. अभी जो हम शिमर केक बनाते हैं उसके लिए आप ये सेम इफेक्ट गोल्डन में क्रिएट कर सकते हो. इफ़ यू आर यूजिंग गोल्डन डस्ट तो आपका ये गोल्डन इफेक्ट क्रिएट होगा. नाउ आई एम यूजिंग रोज गोल्ड, बट अगर आप ये गोल्डन में क्रिएट करोगे देन ऑल्सो इट विल लुक गुड. आप अगर वाइट सिल्वर एकदम ऑफ वाइट कलर की आती है डस्ट जिसको एक शाइन है, तो अगर वो आप यूज़ करते हो तो आपका पर्ल इफेक्ट आ जाएगा. ओके, गोल्डन सिक्वेंस, रोज गोल्ड सीक्वेंस, पर्ल इफेक्ट, दिस आर ऑल डिफरेंट. ये आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो. नाउ आई हैव टू यूज़ द फर्स्ट आई हैव टू क्लीन माय बोर्ड. उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा बिकॉज द नेम सजेस्ट के इवेपोरेट्स. वो इसीलिए यूज़ होता है कि वो इवेपोरेट हो जाएगा. वो आपके केक में या फिर जो भी सरफेस पे आप उसको अप्लाई करते हो वहाँ पे वो रुकेगा नहीं. इट विल इवेपोरेट. जस्ट आपका पेंट या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो उसके जनरली ये पेंट के लिए यूज़ होता है, तो पेंट रुकेगा और इवेपोरेट्स आपका उड़ जाएगा. जस्ट इट्स अ डाइल्यूजन, डाइल्यूट करने के लिए है. ठीक है मैम, प्लीज रिपीट द नेम ऑफ स्प्रे. देन क्लीन करायला डस्ट. ये रोलकेम के डस्ट आते हैं, रोलकेम के है, बेकर्स फिले के भी बहुत सारे डस्ट अवेलेबल है, और आरिफ के पास भी बहुत सारे आपने देखा होगा छोटे छोटे डब्बे में अवेलेबल होते हैं ये डस्ट. तो आपको डस्ट बोलना है, शिमर नहीं. नाउ ये एज इट इज़ बहुत सुंदर लग रहा है. आई एम जस्ट यूजिंग 2-3 फ्लावर्स फॉर दी टॉप डेकोरेशन बस, और हमें इसे कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना है. सो फॉर द डेकोरेशन मैं अभी 2-3 रोजेस ही बना रही हूँ बिकॉज एनिवर्सरी है मेरी, तो रोजेस तो बनता है. सो आई एम यूजिंग R11 नोजल यूज़ करने वाली हूँ मैं अभी. सबको कैसे लग रहा है ये, पसंद आ रहा है? प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स कि आपको ये कैसे लग रहा है, ये मेरी जो नई टेक्निक है वो आप सबको कैसे लग रही है. लता विदाते, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस आइडिया. होप यू ऑल लव दिस, और आप अपने केक में इसे ट्राई करो और अपने सारे स्पेशल ओकेजन में इस तरह से स्पेशल केक्स बनाओ. सुनैना अग्रवाल, नाउ फाइनल प्रोडक्ट ब्यूटीफुल. और अभी इसे और हमें ब्यूटीफुल बनाना है विद थोड़ा सा डेकोरेशन टॉप पे हम करने वाले हैं. नीतू अग्रवाल, मैम योर ड्रेस एंड कलर इज या यस, दोनों मैच हो रहे हैं. यस, इट्स वेरी कोइंसिडेंस है कि दोनों मैच हो रहे हैं.
Can we spray this liquid on flower? Yes, फ्लावर पे कर सकते हो, बट बहुत ही धीरे से करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रेश क्रीम है तो थोड़ा सा मे बी खराब हो सकता है. ओके, नाउ विल जस्ट डेकोरेट विद 2-3 फ्लावर्स. नाउ आई एम यूजिंग R11 नोजल. और केक हमारा ऑलरेडी कलरफुल है, सो मैं इसे वाइट क्रीम से डेकोरेट कर रही हूँ फर्स्ट. शुभांगी वेद पाठक मैम, सुंदर केक. थैंक यू शुभांगी. गायत्री, वेरी नाइस इनोवेशन. थैंक यू सो मच. सेजल, हैप्पी एनिवर्सरी मैम. थैंक यू. आज सुबह से इतने मैसेजेस आए हैं मेरे पेज पे और मेरे पर्सनल ग्रुप्स पे, पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे. सो थैंक यू सो मच ऑल मै क्रस्टीग्रीम फैमिली, माई फैंस, माई फॉलोअर्स. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज. सो नाउ आई एम यूजिंग R11 नोजल. ओके, यू कैन सी दिस. इसका एक ब्रॉडर पोर्शन है और एक थीन पोर्शन है. सो अभी हम रोजेस बना रहे हैं, नॉर्मल रोजेस जो मैंने बहुत बार क्लासेस में आप सबको सिखाए हैं. सो आई एम यूजिंग दिस रोज पिन. ये रोज पिन के साथ हम इससे पहले एक बेस बना लेते हैं. एंड आपको जो लोग आज नए हैं उनके लिए, यहाँ से हमें इसको इस तरह से उल्टा सी के तरह पेटल्स करने हैं. ओके, एंड ओवरलैपिंग करते जाना है. सो जितना बड़ा आपको फ्लावर बनाना है उतना बड़ा हमें पेटल्स करते जाना है. सो अभी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, इतना ही रख रही हूँ. और इससे नाउ दिस इज़ वाइट क्रीम, सो प्लेन वाइट क्रीम इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा. सो आई एम यूजिंग दिस ग्लो कलर. ये है मेटा ग्लो करके ये सीरीज आती है. ये मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते केक पे, लाइक आफ्टर अप्लाइंग द राइस क्रिस्पीज, अगर हम ये करना चाहते. अब इस तरह से सारे स्प्रेज भी अवेलेबल है, लाइक गोल्ड है, सिल्वर स्प्रे है, बहुत सारे स्प्रेज अवेलेबल है. बट ये स्प्रे आपको उतने इकोनॉमिकल नहीं होते हैं, बिकॉज ये सारे स्प्रे अगर आप इस तरह से एक केक को डेकोरेट करने में यूज़ करोगे तो दीज आर कॉस्टिंग 650 के अराउंड. ये सारे स्प्रेज है गोल्डन और फिर कॉपर वगैरह. तो अगर आप ये स्प्रे यूज़ करोगे तो आपका एक ही केक में ये सारा एक स्प्रे निकल जाएगा और आपको वो बहुत ही महंगा हो जाएगा. सो दैट्स वाई ये जो मैंने आपको टेक्निक दिखाई कि एक बार आप शिमर पम्प आपके पास है, देन यू कैन डू एन नंबर ऑफ डेकोरेशन विद द शिमर पम्प, इवेपरेक्स की एक बॉटल और बाकी डस्ट तो अवेलेबल होते हैं सारे डिफरेंट कलर्स में. तो यू कैन डू विद द ये दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल वे ऑफ डूइंग दिस. अदरवाइज रेडी बहुत सारे इस तरह से स्प्रे कलर्स अवेलेबल है, बट दे आर वेरी कॉस्टली. योगिनी, इज ग्लिटर पम्प अवेलेबल? यस, ग्लिटर पम्प है अवेलेबल. रेशमा कुलकर्णी मैम, यू एंड योर टेक्निक्स आर ऑलवेज ऑसम. थैंक यू. ओके, नाउ यू कैन सी माई रोजेस आर शाइनिंग. अगर आपको दिख रहा है, आई डोंट नो कैमरा में कितना दिखेगा, बट इज इट विजिबल? नो ना, बिकॉज इट्स अ वाइट कलर तो दिखेगा नहीं उतना मे बी, बट आई विल पोस्ट द फोटोग्राफ्स
फोटोग्राफ्स पोस्ट करूँगी तो आपको वो सारा इफेक्ट समझ में आ जाएगा। नाउ आई एम प्लेसिंग माई फ्लावर्स। ये मैंने रख दिया है। अभी इस तरह से मैं सिर्फ बीच में ही दो तीन फ्लावर्स बनाने वाली हूँ एंड देन आई डेकोरेट विद सम लीव्स। अगेन ये मैंने एक सेंटर कर लिया और ये इस तरह से पेटल्स। यस यू कैन यूज। अगर को भी फ्लावर्स करते वक्त आपको लगे कि क्रीम ड्राई हो गया है तो हमें इसको इस तरह से वापस पाइपिंग बैग से निकालना है और एक बार वापस उसे भरना है। यू कैन सी मैं इस तरह से एक एक पेटल के साथ ओवरलैपिंग करते हुए ये रोज़ को कंप्लीट कर रही हूँ। दिस इज आर 11 नोजल। Meenal, your techniques and workshop have been useful for me to grow as a home baker. Thank you, ma'am. Thank you so much, Meenal, for your kind feedback. Dhanurupa, I get air in between cream cleaning bag, so I get gaps when cream comes out. How to avoid? Yes, because your cream becomes dry. आप जब भी काम करते हो तो क्रीम आपका ड्राई होता जाता है और फिर वो एयर गैप्स ज़्यादा आने स्टार्ट होते हैं। सो ऑलवेज अगर ऐसे लगे आपको कि क्रीम आपका ज़्यादा एयरी हो गया है, यू कैन नॉट वर्क विथ इट। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसे वापस पाइपिंग बैग से निकालो और थोड़ा सा स्मूथ करो। लाइक स्पैटुला से हमें इसको अच्छे से स्मूथ करना है और स्मूथ करके हमें यूज़ करना है। सो जितनी बार भी लगे कि क्रीम ड्राई हो रहा है, आपको यही काम करना है। क्रीम को निकालो, स्मूथ करो और वापस पाइपिंग बैग में भरो। ओके, सो नाउ ये मेरा केक डेकोरेट हो गया है। आई विल जस्ट मेक सम। ये मैं एक गोल्डन टॉपर यूज़ कर रही हूँ
हैप्पी एनिवर्सरी का। एंड मेरे पास कुछ लीव्स है विद द गोल्डन टच, ये मेरे फॉन्डेंट के लीव्स है, वो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहती हूँ। लेट्स सी, बिकॉज मैं दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर रोजेस आर वाइट, तो उसके साथ गोल्डन कलर अच्छा दिखेगा। So this is my final cake. So मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मे बी इसका एक्चुअल इफेक्ट आपको कैमरा में इतना नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ये शिमरी फ्लावर्स और ये सब कुछ, तो मैं फोटोज़ पोस्ट कर दूँगी इसके। दिख रहा है, यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ टॉपर। अभी मेरे पास ये जो आज अवेलेबल है टॉपर, आई एम यूजिंग दैट। ओके, सो दिस वॉज माई शॉर्ट एंड स्वीट डिफरेंट टेक्निक से बना आज का एनिवर्सरी केक है। आप सबको कैसे लगा, जस्ट शो मी योर लव कि कैसे लग रहा है ये केक, आपको कैसे लगा कमेंट्स में लिखिए। एंड देन लाइक्स कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए ताकि ये सबको डिफरेंट टेक्निक पता चले कैसे करनी है। एंड कमेंट भी करो कि आपको कैसे लग रहा है ये केक। ओके, और कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से शेयर कीजिए, और भी क्वेरीज अगर है। सो विल मीट नेक्स्ट लाइव, तब तक के लिए हैप्पी बेकिंग एंड थैंक्स फॉर ऑल योर विशेज। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बेकिंग।